आज हम आपको बताएंगे कर्मा KP80 स्टैंडिंग पावर व्हीलचेयर के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं कर्मा KP80 स्टैंडिंग पावर व्हीलचेयर। अब मैं आपको इसके फ्यूचर के बारे में बताता हूँ, इसके फंक्शन के बारे में बताता हूँ। ये इसका जो स्टिक है, इस टाइप से आप इसको ऑन कर सकते हैं। इसमें हॉर्न भी दिया गया है। ये स्पीड के लिए दिया गया है, इसमें 5 स्पीड है, इसकी कम भी कर सकते हैं आप स्पीड। ये इसका स्टैंडिंग ऑप्शन है, इस टाइप से आप इसको स्टैंडिंग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप इस टाइप से इसको आप तो देख सकते हैं आप ये फुल स्टैंडिंग हो गई है। तो देख सकते हैं आप ये स्टैंडिंग मोड में 6 व्हील बेस हो जाता है। आप देख सकते हैं 6 व्हील। तो देख सकते हैं आप ये फुली स्टैंडिंग हो गई, इस टाइप से स्टैंडिंग होके चलती है। ये बैग भी ले सकते हैं आप, इसको पीछे की तरफ भी ले सकते हैं। ये मूव करना है तो आपको जो स्टिक जिस डायरेक्शन में आप मूव करते हैं मूव हो जाएगी ये व्हीलचेयर। अब ये डाउन हो रही है। अब हम आपको इसके टिल्ट फंक्शन के बारे में बताते हैं। ये टिल्ट फंक्शन के लिए स्विच आपको पुश करना रहेगा। देख सकते हैं आप इस टाइप से आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं टिल्ट। ये फुली रिक्लाइन हो गई। आप रिक्लाइनिंग मोड में भी इसको चला सकते हैं। इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप ये रिक्लाइनिंग मोल्टी टिल्ट फंक्शन आप देख सकते हैं इस व्हीलचेयर का। इस टाइप से आप इसको टिल्ट कर सकते हैं। टिल्ट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं
कर्मा का बहुत ही अच्छा पावर व्हीलचेयर है। अब हम आपको इसका स्टैंडिंग मोड दिखाएंगे।